हमने इनको प्रिजर्व किया। टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट ढूंढते फिरते थे जो अपना पढ़ के आते थे, हाँ यहाँ लोगों को पता नहीं था। और ये मुसलसल मैं देखता रहा कि इसकी ना किसी को कदर थी ना फिक्र थी, और डिटीरिएशन ये तो चले बाद से मस्जिद नज़र आ जाती थी। और ये जिस तरह कामरान आपने ठीक कहा कि जब कोई फॉरेन डिग्निटरी को यहाँ फंक्शन होती थी तो उसमें फिर ये सारा सफाई भी हो जाती थोड़ी बहुत, लेकिन कोई किसी को इसलिए नहीं इनको प्रिजर्व करने का था कि ये एक बहुत बड़ी एक हमारी तारीख है, एक हेरिटेज है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। उनको पता तो चले कि हम क्या थे। जब आपको ये पता चलेगा हम क्या थे तो आप सोचते हम किधर जाना है हमने। तो एक तो नेशनल प्राइड है, और दूसरा हमने ये नहीं रियलाइज़ किया पाकिस्तान में कि कितना ज़्यादा हमने टूरिज्म में अपना नुकसान किया फाइनेंशली। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है फाइनेंशियल है, जो हमारा करंट अकाउंट ट्रेड डेफिसिट है दुनिया से, यानी हम ज़्यादा इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है जब 6 महीने पहले $19 अरब। $19 अरब की वजह से पाकिस्तान को कर्जे लेने पड़ रहे हैं, मुसीबत है, सब कुछ है। तो आप ये देखें कि तुर्की का सिर्फ टूरिज्म से जो रेवेन्यू है साल का वो $40 अरब है, और मलेशिया जिसके पास इस तरह की हेरिटेज नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा एंशंट हमारा जो ये इलाका है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद और भी हमारे जितने भी डिफरेंट सिविलाइजेशन आते हैं ये बड़े पुराने हैं हमारे। तो इंडोनेशिया में सिर्फ मलेशिया में सिर्फ बीच टूरिज्म और बीच रिजॉर्ट्स, आप मलेशिया की सिर्फ बीच टूरिज्म और बीच रिजॉर्ट से वो $20 अरब कमाते हैं, और हमारा ये अभी कामरान कह रहे हैं कि 5 मिलियन टूरिस्ट आए हैं, तो हमारा तो नेग्लिजिबल है। और हमारी इतना ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है जो कि अब पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट एक पूरी हमने टूरिज्म पूरी टास्क फोर्स बनाई है, और डिफरेंट टूरिज्म है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें एक है ये जो हमारी पुरानी हेरिटेज है, जिसमें मोहनजोदारो से लेके पुराने मोनूमेंट्स हैं, सिखों के मोनूमेंट्स हैं, रिलीजियस मोनूमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी कर रहा हूँ।